माइनक्राफ्ट एक बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है, पर एक चीज और पॉपुलर है माइनक्राफ्ट जैसी, चैट जीपीटी एआई। जैसे मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे माइनक्राफ्ट को बीट कैसे करना चाहिए, उसने मुझे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी। तो क्रिएट करते हैं अपना नया वर्ल्ड और देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या दिया चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि मुझे यहाँ पर इमीडिएटली वुड गैदर करनी है और क्राफ्ट करने हैं बेसिक टूल्स जैसे कि पिकैक्स और एक्स। पर इसे करने के लिए एक दिक्कत है, मैं स्पॉन हुआ हूँ रेगिस्तान में, तो हमको ढूंढनी पड़ेगी वुड अब। और एक ट्री के तलाश में मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। थोड़ा सा आगे जाके मुझे एक विलेज दिखा, पर जीपीटी ने मुझे वुड इकट्ठा करने के लिए बोल रखा है पहले। तो यही है चैलेंज हमारा, मैं विलेज को नहीं लूट सकता अभी। जो स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी बताएगा मुझे, मुझे वही करना पड़ेगा। वो विलेज था तो बड़ा सुंदर सा और उसमें लूट भी बहुत ज्यादा हो सकती है, पर अब क्या करें, मुझे आगे बढ़ना पड़ा एक ट्री की तलाश में ताकि मैं वुड गैदर कर सकूं। थोड़ा सा और आगे जाके मुझे एक और विलेज मिला, पर क्या करें, मुझे आगे बढ़ना पड़ा एक ट्री की तलाश में। आगे जाके मुझे ये वियर्ड से स्ट्रक्चर्स दिखे, पर इनको इग्नोर मारते हुए मुझे अपना फाइनली पेड़ मिल गया था। मैंने जल्दी से पेड़ काटा और कुछ बेसिक टूल बनाए जैसे कि चैट जीपीटी ने मुझे बोला था बनाने के लिए, एक वुडन का पिकैक्स और एक वुडन का एक्स। अब चैट जीपीटी का नेक्स्ट स्टेप था एक विलेज ढूंढना। अब ऑब्वियसली विलेज हमारे पास ही था, तो मैं उसी विलेज को लूटने चले गया ताकि मुझे फूड मिल सके, बेड मिल सके और कुछ यूजफुल रिसोर्सेस मिल सके। अब विलेज हमने लूट ही लिया है, तो चैट जीपीटी का नेक्स्ट स्टेप है स्टोन के टूल्स लेना और स्टोन को माइन करके उनके टूल्स लेना। अब लकीली इस विलेज में यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था, तो मैंने उसकी दीवार तोड़ के कॉबलस्टोन ले लिया ताकि अपने लिए बना सकूं मैं सारे के सारे नए टूल्स। मैंने अपने लिए स्टोन टूल्स बनाए और अपने नए नवेले वुडन टूल्स फेंक दिए। विलेज को थोड़ा बहुत और लूटने के बाद यहाँ पर रात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज रात ही गुजारी जाए। थोड़ा बहुत विलेज को और लूटने के बाद मैं चुपके से विलेजर के घर के अंदर गया और उसकी छत में जाके सो गया। अब आसमान ही मेरी चादर थी और बेड तो मेरे पास था ही अपना, और मैं ऐसी उसकी छत में सो गया। अगली सुबह मैं उठा, पूरा विलेज यहाँ पर चहक महक रहा था और मुझे यहाँ पर कैमल्स दिखे, और तुमको पता होगा मुझे कैमल से बहुत ज्यादा प्यार है। तो मैंने ऊँट की सवारी करी, पर फिर मैंने कहा मुझे अपने लक्ष्य में ध्यान देना है, मुझे माइनक्राफ्ट को बीट करना है। तो मैं जल्दी से ऊँट से उतरा, थोड़ी बहुत मैंने और लूट करी विलेज में, और फिर मैंने सोचा कि विलेज को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। और चैट जीपीटी के हिसाब से हमारा थर्ड स्टेप है आयरन ढूंढना। मुझे यहाँ पर केव ढूंढनी पड़ेगी आयरन के लिए, और मुझे पता था कि मुझे इस रेगिस्तान में केव तो नहीं मिलने वाली है। तो विलेज से थोड़ी दूर जाके मुझे यहाँ पर एक जंगल बायोम दिख रहा था, तो मैं जल्दी से जंगल बायोम में गया और ढूंढने लग गया कोई ऐसी केव जहाँ पर आयरन हो। अब कोई केव तो मुझे इतनी जल्दी मिली नहीं, पर मुझे यहाँ पर कोल मिल गया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर अंधेरा होने वाला है केव में, तो मैंने कोल जल्दी से इकट्ठा कर लिया। जंगल में थोड़ा और आगे भटकने के बाद मुझे यहाँ पर एक केव दिखाई दी, पर उसके अंदर एक क्रीपर था और वो फट गया। पर एक क्रीपर मेरे लिए लकी था, क्योंकि जहाँ पर एक क्रीपर फटा था वहाँ पर आयरन मिल गया मुझे। मैंने सारा का सारा आयरन माइन कर लिया था, पर चैट जीपीटी ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ पर आयरन के टूल्स चाहिए होंगे, एक बकेट चाहिए होगी और बाकी आयरन का आर्मर चाहिए होगा। तो मैं इस केव के अंदर गया जो कि बहुत ज्यादा गहरी थी। इस केव से मुझे बहुत ज्यादा कोल मिल गया था, जिससे मेरी थोड़ी बहुत एक्सपी बढ़ गई थी, पर उसका कुछ काम था नहीं। पर कोल मैंने इकट्ठा कर लिया ताकि फ्यूचर में मेरे काम आ सके वो खाना वगैरह पकाने के लिए। एक चीज मुझे पता नहीं थी इस केव के बारे में कि ये केव बहुत ज्यादा बड़ी थी, और वहाँ पर एक और क्रीपर आ गया, वो भी फट गया। पर मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत सारा आयरन, जो कि मुझे मिल भी गया था। पूरी केव को छानने के बाद मुझे यहाँ पर एक स्टैक आयरन मिल चुका था और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल गया था। पर ये केव बहुत ज्यादा डेंजर लग रही थी मुझे, तो मैं यहाँ से बाहर चले गया ताकि मैं अपने आयरन को मेल्ट कर सकूं और बना सके हम लोग अपने लिए पूरा का पूरा एक आयरन का सेट। बाहर आके मैंने अपना फर्नेस एक पेड़ में रखा और सारे का सारा आयरन को मेल्ट करने के लिए रख दिया उसमें। आयरन मेल्ट होने के बाद मैंने अपने सारे के सारे टूल्स अपग्रेड कर दिए और बनाई मैंने अपने लिए आयरन सॉर्ड, आयरन का पिकैक्स और आयरन का एक्स। और क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा आयरन माइन कर रखा था, तो मैंने यहाँ पर पूरे का पूरा आयरन का आर्मर सेट बना दिया अपने लिए। अब रात बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ को अपना बेस बनाया जाए, जो कि मैंने बना लिया था, और मैं स्पीड में सो गया। अगली सुबह चैट जीपीटी ने मुझे बोला कि मुझे यहाँ पर एक पोर्टल बनाना पड़ेगा नेदर में जाने के लिए, और पोर्टल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा स्पीड रन का मेथड। मुझे यहाँ पर बकेट मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके लिए ढूंढना पड़ेगा हम लोग एक लावा पूल जो कि नेचुरली स्पॉन होता है। तो मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी एक लावा पूल ढूंढने के लिए। मैंने लिटरली थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक ट्रेवल करा होगा उसको ढूंढने के लिए। मैं अलग अलग बायोम्स में गया, मुझे रास्ते में बहुत सारे विलेजेस भी मिले, पर लावा पूल कहीं नहीं मिला। और रास्ते में मुझे यहाँ पर एक रुइन पोर्टल दिखा जिसके अंदर फिल्म स्टील था और यहाँ पर थोड़ा बहुत गोल्ड के टूल्स थे, तो ये टूल्स मैंने अपने फ्यूचर के लिए रख लिए थे। अब रात बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं एक विलेज के पास था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विलेज में अपनी रात गुजारी जाए। तो एक बगल की नदी को मैंने अपना दोस्त बनाया और वहीं पर अपना कैंप सेटअप करके मैं सो गया। और अगली सुबह मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने। मैंने दोबारा से बहुत ज्यादा ट्रेवल करा, बहुत सारे बायोम्स देखे मुझे रास्ते में, और यहाँ तक स्नो बायोम में मुझे एक विलेज भी मिल गया था, पर तभी भी लावा पूल का नामो निशान नहीं था। और आगे प्रोग्रेस करने के लिए मुझे लावा पूल चाहिए था, पर जैसे ही मैं गिव अप करने वाला था मुझे बर्फीले जंगल में ये दिखा, मुझे फाइनली लावा पूल मिल गया था। पर एक दिक्कत अभी भी थी कि मुझे लावा पूल में एक नेदर पोर्टल बनाना नहीं आता है, पर जैसे तैसे करके मैंने उसको बना ही लिया था और अब टाइम था नेदर में जाने का।
मैंने नेदर पोर्टल के बगल में अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था जस्ट इन केस अगर मैं मर गया तो, पर मैं कॉन्फिडेंट था नेदर में जाने के लिए। एक चेस्ट में जितनी मेरी इंपॉर्टेंट लूट थी मैंने सारी की सारी डाल दी और इट्स टाइम टू गो टू द नेदर। 1 2 3 लेट्स गो। मैं नेदर में एंटर हुआ था, मैं इधर उधर देख रहा था पर तभी मुझे एक पिगले ने अटैक करना शुरू कर दिया और मैं भाग के अपने वर्ल्ड में आ गया और फिर एक ट्रू आदमी की तरह मैं सो गया। और मैं कितना बड़ा नूब माइनक्राफ्ट का मुझे पता चल रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि पिगलियंस को यहाँ पर गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब अगर तुम गोल्ड पहनोगे तो पिगलियंस तुमको अटैक नहीं करेंगे। तो एक नेदर पोर्टल से मुझे गोल्ड का पजामा मिला था, मैं उसको पहन के चले गए नेदर में और अब शायद से ये लोग मुझे अटैक नहीं करेंगे। और मैंने सुना है कि ये लोग गोल्ड को ट्रेड भी करते हैं, मतलब अगर इनको हम गोल्ड इंगेट देंगे तो उसके बदले में हमको कुछ वैल्यूएबल चीज दे सकते हैं ये। तो मैं दोबारा से नेदर में गया और मुझे एक पिगलियन मिल गया। आखिरकार मेरे पास यहाँ पर 18 गोल्ड इंगेट थे, मैंने सारे के सारे इंगेट से उसके संग ट्रेड कर दिया क्योंकि चैट जीपीटी ने मुझे ट्रेड करने के लिए भी कहा था पिगलियन से, पर उसने मुझे ये कबाड़ दिया जो कि मेरे काम का नहीं था। चैट जीपीटी के हिसाब से अब मुझे यहाँ पर एक फोर्ट्रेस ढूंढना था। पहले तो मैं रैंडमली नेदर में भटके जा रहा था पर बाद में मुझे पता चला कि मुझे एक्स या फिर जी डायरेक्शन को फेस करके चलना पड़ेगा। नेगेटिव एक्स या फिर पॉजिटिव एक्स या फिर नेगेटिव जी या फिर पॉजिटिव जी, इन चारों डायरेक्शन में मुझे यहाँ पर एक डायरेक्शन को चूज करके चलना था। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर नेगेटिव एक्स चूज करा। बहुत देर तक चलने के बाद, गास्ट से फायरबॉल खाने के बाद और ये पिगलिन का जो स्मोर होता है उससे मार खाने के बाद फाइनली हमको बहुत दूर जाके अपना नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका था। पर जैसे मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिला ब्लेजेज ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया था और क्योंकि जेट जीपीटी ने मुझे कभी शील्ड बनाने के लिए कहा ही नहीं था तो मेरे पास कोई भी शील्ड नहीं थी। अब तुम लोग को पता होगा कि बिना शील्ड के ब्लेज से लड़ना कितना मुश्किल है, वो भी सिर्फ आयरन आर्मर के साथ। पर फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई और मैं लड़ने गया ब्लेजेस से। पर जैसे ही मैं नेदर फोर्ट्रेस में गया मैं वहाँ नीचे गिर गया और ब्लेजेस विदर और जितने मॉब थे नेदर फोर्ट्रेस में सारे मेरे पीछे भाग रहे थे और चारों तरफ से मुझे अटैक कर रहे थे। मैं भागा भागा अपनी जान के लिए पर मैं मर गया और इसी के साथ मेरा सफर यहाँ पर खत्म हो गया। और अब से चैट जीपीटी या फिर एआई में बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा मैं। पर अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है तो प्लीज लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। और तुम लोगों को अगर आज की टेक्सचर पैक या फिर आज की वीडियो पसंद आई है तो तुमको अगली वीडियो में जरूर पसंद आएगी, यहाँ क्लिक करके जल्दी देखो। बाकी इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है तो प्लीज सपोर्ट दिखाना कुछ अपना। और अगर तुम्हारे मन में कोई और चैलेंजेस है या फिर कोई और क्वेश्चन है माइनक्राफ्ट को लेकर तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलूंगा तुम लोग अगली वीडियो में। पीस आउट।